लास्ट टाइम हमने प्रश्न कुंडली का पार्ट वन देखा था, आज हम पार्ट टू देखेंगे। और पार्ट टू की खासियत ये होगी कि इसमें हम चंद्र के नक्षत्र का कुछ विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपसे एक खास बात अनुरोध करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि प्रश्न कुंडली में चंद्र का नक्षत्र अपने आप में एक बड़ा सुझाव हो जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रश्न कुंडली को भी जातक कुंडली की तरह ही देखने का प्रयत्न किया जाता है। खास करके किसी मैटर को हमें देखना है, यदि हम जातक कुंडली में जैसे देखते हैं उसी प्रकार से प्रश्न कुंडली में दिया जाता है। और ये करते हुए हमें एक खास बात जो सामने आती है वो ये है कि जातक जिस नक्षत्र पे प्रश्न करता है वो नक्षत्र भी कुछ न कुछ सुझाव हमें अवश्य देता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि नक्षत्र के कई अधिपति नाम का प्रकार है जो कृष्णमूर्ति पद्धति ने विषोत्तरी सिद्धांत से ही लिया हुआ है, उससे हम पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पे केतु के नक्षत्र होते हैं विषोत्तरी सिद्धांत में, जिन्हें हम अश्विनी, मघा और मूल इन नक्षत्र में देखते हैं, मघा और मूल। फिर शुक्र के नक्षत्र होते हैं जिन्हें हम कहेंगे भरणी, पूर्वा यानी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा। सूर्य के नक्षत्र होते हैं जिसे हम कहेंगे कृत्तिका, उत्तरा और उत्तरा आषाढ़ा। इसके बाद में चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं जो विषोत्तरी सिद्धांत के खास देन है ऐसा हम मानते हैं, अस्त, फिर रोहिणी, श्रवण। मंगल के नक्षत्र होते हैं जिन्हें कहते हैं मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा। राहु के नक्षत्र होते हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शनि के नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा। लास्ट में बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अभी ये एक बार नक्षत्र हमें पता चल गए तो ये नक्षत्र का अधिपति जो है उनसे विषोत्तरी महादशा शुरू होती है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हस्त नक्षत्र में है तो उसकी चंद्र की महादशा जन्म के समय चलती है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हस्त नक्षत्र में आपके पास आके सवाल करता है
तो वहां पे चंद्र की दशा चालू है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ये एक आसान स्थिति है और इससे प्रश्न को समझना और प्रश्न को सुलझाना ज्यादा सटीक और सुंदर होता है, इसलिए हम इसका उल्लेख कर रहे हैं। खास करके मैं आपको ये 27 नक्षत्रों के बारे में एक-एक वाक्य में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। यदि वो नक्षत्र है तो उसे आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। से आमतौर पे अश्विनी नक्षत्र में जब जातक प्रश्न लेके आते हैं तभी अश्विनी का मतलब है आरंभ का पहला नक्षत्र, खास करके केतु का नक्षत्र और मंगल के राशि के भीतर में केतु का नक्षत्र। किसी विषय का शुभारंभ, कोई नई दिशा, लेकिन उसके साथ में जब कोई जातक अश्विनी नक्षत्र में आपके पास प्रश्न लेके आता है तो कोई चीज भूली हुई होने का चांस होता है, कहीं आप भूले तो नहीं, ये बात इसमें हो जाती है। और केतु के इस नक्षत्र के साथ में प्रश्न कुंडली में केतु कहाँ पे है वो भी आपको देखना उचित होता है। तो केतु आपको उसकी जो अनटोल्ड स्टोरी है वो बता देता है, और ये अनटोल्ड स्टोरी अश्विनी, मघा और मूल तीनों के लिए एक लागू होती है, तीनों के लिए समान है। इसमें एक फर्क है, जब अश्विनी नक्षत्र होता है तब आमतौर पे किसी विषय का आरंभ होना अपेक्षित होता है, जब मघा नक्षत्र होता है तब वहां पे किसी अधिकार की चर्चा अपेक्षित होती है, और मूल नक्षत्र होता है तो किसी प्रश्न को बहुत ही मुश्किल में डालने का की स्थिति हो सकती है। हमने अभी केतु के स्टार के बारे में देखा, इसके बाद में शुक्र के नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। आमतौर पे शुक्र के तीन नक्षत्र जो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा है, ये तीनों में बेसिक फर्क ये है कि भरणी नक्षत्र मेष राशि में है, लेकिन कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, इसलिए नए कार्य के लिए ये मुहूर्त में नहीं दिया जाता। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा ये दोनों नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र की तरह किसी नए काम के लिए या प्रश्न कुंडली में भी सकारात्मक माने जाते हैं। आमतौर पे शुक्र के नक्षत्र में आया हुआ प्रश्न जातक को किसी न किसी माध्यम से आनंददायी स्थिति की तरफ ले जाने का प्रयत्न होता है। जैसे केतु के नक्षत्र जो है उनके जवाब में हम कई बार डेटाबेस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या उसके साथ में मेडिसिन्स इनका इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, वैसे ही शुक्र के नक्षत्र के साथ में ग्लैमर, प्रेजेंटेशन स्किल्स और नॉलेज विथ वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, इस प्रकार से उसको लिया जाता है। आमतौर पे सूर्य के नक्षत्र जो होते हैं, जिसमें एक कृत्तिका नक्षत्र है, एक उत्तरा फाल्गुनी है और एक उत्तराषाढ़ा है, इसमें से कृत्तिका नक्षत्र जो है यह एक बहुत शार्प नक्षत्र माना जाता है। कई बार तो जब जातक सवाल करते हैं कि मेरा और उसका झगड़ा हो गया कृत्तिका नक्षत्र में, तो हम कहते हैं कि इसे फिर से रिपेयर करना, इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। डेस्टिनी मैनेजमेंट के सॉल्यूशन में यदि आपको किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ने हैं या किसी को किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है तो उनका कृत्तिका नक्षत्र में झगड़ा होना एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन यह नक्षत्र जो रवि के नक्षत्र है ये आमतौर पे किसी न किसी माध्यम से व्यवस्थापन के लिए सटीक होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। दे आर गुड फॉर मैनेजमेंट ऑफ समथिंग, दे आर गुड फॉर प्रोग्रेसिंग समथिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। रवि के नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि रवि के नक्षत्र में जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा होता है और शुक्र के नक्षत्र में आनंद के अनुभव की स्थितियां ज्यादा दिखाई देती है। इसके बाद में हम चंद्र के नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र का रोहिणी नक्षत्र वाकई में बड़ा सुंदर नक्षत्र है और सामान्यतः रोहिणी नक्षत्र में आने वाला प्रश्न एक एक अच्छी प्रकार की मानसिकता का प्रतीक होता है। सवाल करने वाले व्यक्ति आमतौर पे किसी
किसी न किसी भावना विवश होके या किसी न किसी से जोड़ने की वजह से अपना संतुलन खोने का भय होता है। वही हस्त नक्षत्र जो है यह एक व्यवहार चतुर सुंदर नक्षत्र है, लेकिन यहां पे भी आपको कला क्षेत्र, लिखाई या किसी प्रकार के साहित्यिक अनुभव का भी अनुभव किया जा सकता है। श्रवण नक्षत्र जो चंद्र का नक्षत्र है, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आमतौर पे कमिटमेंट्स नाम का शब्द आ जाता है। लोग मानसिकता के माध्यम से कमिटमेंट की तरफ जाने का प्रयत्न श्रवण नक्षत्र में करते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई जातक आपको श्रवण नक्षत्र में सवाल करे तो आपको यह पूछना है कि कौन से जिम्मेदारी का बोझ आप उठा रहे हो। हस्त नक्षत्र में जब आपको सवाल करेंगे तो आपको यह सवाल पूछना है कि कौन सी तिकड़म करके नया कुछ करने का प्रयत्न आप कर रहे हो। और रोहिणी नक्षत्र पे आपको सवाल करे कोई तो उसे कहना है कि कौन सी चीज को आप ग्लोरीफाई करना चाहते हो। इसके बाद में आते हैं मंगल के तीन नक्षत्र। इसमें मृगशीर्ष नक्षत्र जो है, इसकी विशेषता यह है कि ये एक खेलकूद वाला एक्टिव एंड अट्रैक्टिव कंस्टेलेशन है। यदि कोई जातक आपको मृगशीर्ष नक्षत्र में सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें चंचलता भरी पड़ी है, और हो सकता है कि मृगों की तरह यह भी उछल कूद करने में इच्छुक है। आमतौर पे इसमें आने वाले सवाल यह टेम्पररी नेचर के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र यह एक अलग स्टार है। जैसे हम जन्म लग्न के विषय में जब चर्चा करते हैं तो चित्रा एक ऐसा स्टार है जिसमें किसी जातक का जन्म हुआ है तो चित्र के भांति दिखते हैं, यानी लंबी उम्र के बाद में भी वो यंग दिखते हैं, तरुण दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं। वह नियम प्रश्न कुंडली के लिए नहीं होता, परंतु चित्रा नक्षत्र में जब जातक का सवाल होता है तो उसके बैकग्राउंड में कन्या या तुला ऐसी कोई राशि होती है, और ये दोनों राशियां काफी सकारात्मक होती है। लेकिन यह नक्षत्र मंगल के होने की वजह से इसमें कोई तंत्र ज्ञान टेक्नोलॉजी आने का ज्यादा चांस होता है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आप लो या शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन लो, ये दोनों में टेक्नोलॉजी का महत्व अधिक होता है। यदि इसी नक्षत्र को हम धनिष्ठा के साथ जोड़ देंगे तो मैं धनिष्ठा पंचक की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है यह थोड़ा अड़ेल नक्षत्र है, जो आपको खास करके मृगशीर्ष से विपरीत नजर आएगी। मृगशीर्ष एक प्लेफुल कंस्टेलेशन है और धनिष्ठा एक फर्म नक्षत्र है। इसीलिए मंगल का नक्षत्र होने के बावजूद भी यदि आपके पास कोई धनिष्ठा नक्षत्र से सवाल लेके आए तो इसे आपको पहले यह मानना चाहिए कि ये जो जातक है ये कहीं ना कहीं खुद एडेवेंट है या किसी की पोजीशन को ले बैठे हैं जिसको वो चेंज नहीं करना चाहते। इसके बाद में तीन राहु के नक्षत्र आते हैं, आराध्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु के नक्षत्र जब आते हैं तो एक बात जरूर समझ ली आपको, वो ये कि जातक आपको जो पहला सवाल करे शायद वो उसका सही सवाल नहीं होता, उसके पीछे और कोई दूसरा सवाल है जिसके लिए वो स्पेस बना रहा है। खास करके अरुद्रा नक्षत्र के ऊपर जातक जब सवाल करते हैं तो इसमें उनके हाथ से कोई ना कोई तीर निकल चुका है और उसका क्या परिणाम होगा ये समझने का वो प्रयत्न करते हैं। सम कम्युनिकेशन ट्रैप, सम रॉन्ग कम्युनिकेशन, सम एग्रीमेंट विच दे वॉन्ट टू ब्रेक और विच दे फील दे कैन नॉट फुलफील। स्वाति नक्षत्र ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो ऑफ राहु, ये राहु का नक्षत्र है, लेकिन इस नक्षत्र में आपको आमतौर पे रिलेशंस में कंफ्यूजन, रिलेशंस में कंफ्यूजन की चाहत यह भी दिखाई देगी। हो सकता है कि इसके बाद का सवाल ये हो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, इस प्रकार का उप प्रश्न उसके साथ में अपेक्षित है।
और जब हम शतभिषा या शततारिका नक्षत्र की चर्चा करेंगे तो उसके कई सारे ऑप्शंस है, ऐसा हमें पता चलेगा। मतलब किसी ने पूछा कि मुझे कोई नई एक्टिविटी करनी है, तो आप उसको कह सकते हैं, अरे आपको तो सैकड़ों ऑप्शंस पड़े हैं जो शायद आप खुद जानते हैं, लेकिन उसमें से कौन से ऑप्शन के बारे में आपको बात करनी है वो कृपया आप ही बताएं, एंड देन प्रोफेशनल कैन गाइड हिम मच बेटर। शतभिषा स्टार ये कुंभ राशि का नक्षत्र है और कुंभ राशि तंत्र ज्ञान के लिए, मेक नो हाउ के लिए, टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार से जिसको हम सुधार किया जा सकता है उसके लिए फेमस है। इसलिए शतभिषा भी जब नक्षत्र हो और जातक आपसे सवाल करे तो आपको उसे यह पूछना है कि इज देयर एनी अदर क्वेरी, एंड देन ही विल टेल यू यस और नो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राहु स्टार्स। नाउ विल गो टू जुपिटर स्टार्स। इन केस ऑफ जुपिटर स्टार्स फर्स्ट इज अ पुनर्वसु। क्या नाम है उसका? पुनर्वसु, पुनर्वसन करने वाला नक्षत्र। कोई भी व्यक्ति आपके पास पुनर्वसु नक्षत्र में आके बात करे तो आपको कहना है कि आपका पुनर्वसन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपने लॉसेस किए हैं, पुनर्वसन हो जाएगा। आपके रिश्ते टूट रहे हैं, पुनर्वसन हो जाएगा। आपके झगड़े हो रहे, पुनर्वसन हो जाएगा। यह गुरु का नक्षत्र है। यदि आप टूटकर बाहर जाके सोच रहे कि मैं कुछ नया करूं, हाँ आपका पुनर्वसन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस पुनर्वसन नक्षत्र का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यदि आगे चल के आप कृष्णमूर्ति पद्धति सीखेंगे तो गुरु के नक्षत्र का जो फलकथन है वो थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सुझाव, वन सजेशन इज डेफिनेटली देयर, एंड दैट सजेशन कैन बी कनेक्टेड विथ स्टार। पुनर्वसु नक्षत्र के साथ में हम इसी विषय को भी समझने का प्रयत्न करें। इसके बाद में नक्षत्र है विशाखा। देखिए गुरु के दो नक्षत्र दो भिन्न प्रकार की धारणाओं को लेके बने। एक जगह पे हम कहते हैं पुनर्वसन, दूसरी जगह पे कहते हैं विशाखा, उसकी शाखा नहीं आगे। यदि विशाखा नक्षत्र में आपको सवाल आता है और वो गुरु का नक्षत्र है तो शायद आप किसी विषय के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई नए रास्ते की खोज है, एंड दैट इज विशाखा आउटलुक। बाद में हमारा जो आगे का नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपदा। पूर्वा भाद्रपदा कुंभ और मीन राशि है दोनों को जोड़ने वाला नक्षत्र है, जिसे हम धनिष्ठा पंचक का भी नक्षत्र मानते हैं। मैं आपको इससे डरा नहीं रहा हूं कि पंचक का मतलब यह है कि कोई भी चीज बार बार बनती है, ऐसा उसका मतलब है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो है वह एक सुंदर नक्षत्र है, एक शुभ नक्षत्र है। आमतौर पे इसका एक पोर्शन शनि की राशि में, एक पोर्शन गुरु की राशि में है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की विशेषता यह है कि यह नक्षत्र का कुछ हिस्सा गुरु की राशि और गुरु का नक्षत्र दोनों को कंट्रोल करता है। 1/4 ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टार इज डेडिकेटेड टू जुपिटर साइन एंड जुपिटर स्टार, अ यूनिक कॉम्बिनेशन इन द जोडियक। रवि की राशि और रवि का नक्षत्र सिंह राशि में हमें देखने को मिलता है, उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी में। उसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपदा में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे गुरु की राशि और गुरु का नक्षत्र है। जिनकी कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा एक्टिव है या अकेला ज्यादा एक्टिव है तो उनके लिए यह नक्षत्र बड़े काम का है। उसके भी जो 3-4 दिन भी होते हैं ना, वो भी बहुत महत्व के होते हैं। सूर्य का इस नक्षत्र से भ्रमण करने वाले जो 3-4 दिन है वो भी उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये भाद्रपदा नक्षत्र, इसकी जो पहुंच है वो इन डिटेल की तरफ जाती है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग, ये साथ में इसमें अनुभव किया जाता है। राहु का नक्षत्र स्पेशली टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है। मंगल का नक्षत्र स्पेशली तंत्र ज्ञान यानी यंत्र के साथ जुड़ा हुआ नॉलेज, राहु टेक्निकल नो हाउ एंड जुपिटर इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्निकलिटी, इस प्रकार से लिया जाता है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे ह्यूमन कैरेक्टर्स आने की संभावना होती है, जहां पे लेबर्स,
पीपल वर्किंग अंडर यू, इनके बारे में सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद में तीन नक्षत्र, इसमें एक है पुष्य, एक है अनुराधा और एक है उत्तराभद्रपद। ये तीनों नक्षत्र शनि के हैं, तो शनि के नक्षत्र है इसलिए बुरा हुआ, ऐसा आपको कतई मानना नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न कुंडली में शनि संभ्रम पैदा कर रहा है, शनि समस्या पैदा कर रहा है, तो जी हाँ, ये नक्षत्र आपको अटकाने के लिए पर्याप्त है। शनि के नक्षत्र होने के साथ में हो सकता है कि यहां पे आपकी समस्या ज्यादा देर तक चले। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि शनि प्रश्न कुंडली में शुभ दर्शक है, यानी लाभ स्थान में है, नवम स्थान में है, षष्ठ स्थान में है, तो यह नक्षत्र अच्छा है, काम का है और किसी भी विषय से बाहर निकलने के लिए यह बहुत अच्छा मार्ग दे रहा है। एक बात हमने एडिशनल देखी इसमें, शनि का लोकेशन इन द चार्ट ऑफ प्रश्न कुंडली। इसके पश्चात जब हम देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, यह एक वेल्थ रिलेटेड स्टार है। अनुराधा एक पैशन रिलेटेड स्टार है और उत्तराभद्रपदा एक नॉलेज रिलेटेड स्टार है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जो सवाल इनके साथ जुड़े होंगे वो इसी प्रकार से होंगे, ऐसे मानने के लिए हमें पर्याप्त कारण है। आइए नक्षत्र के एक लास्ट एंड को हम देखते हैं, जो बुध के तीन नक्षत्र है उसमें एक नक्षत्र है, वो है अश्लेषा, दूसरा ज्येष्ठा और तीसरा रेवती। अब ये तीनों नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है, खास करके हम अश्लेषा, यानी अभी कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसे प्रकार से भी लोग मानते हैं, अश्लेष श्लेष कुछ बाकी नहीं, अभी इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र मानसिक रूप से रुकाने वाला नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, हो सकता है आपने किसी के साथ कुछ गलत काम किया है, ऐसे भी दिखा सकता है। और रेवती नक्षत्र एक आध्यात्मिक प्रकार का नक्षत्र है। मैं आध्यात्मिक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहां की समस्याएं आमतौर पे अव्यवहारिक प्रकार के होने के चांसेस हैं। तो हमने 27 नक्षत्र उनके अधिपति के साथ प्रश्न कुंडली में देखने का एक प्रयत्न किया। आइए हम एक प्रश्न कुंडली देख के इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। एक दो चार दिन पहले एक ऐसा वाकया हुआ था, किसी ने पूछा मुझे प्रश्न करके कि क्या लगता है, मेरा किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बन रहा है, एक अच्छी दोस्ती बन रही है, क्या वो फिर से स्टार्ट होगी या उसमें कोई दरार आएगी? अभी देखिए, हमारे सामने एक जो कुंडली है इसमें मघा नक्षत्र है और ये मघा नक्षत्र है, ये नक्षत्र को अपने एक अकड़ है और ये अकड़ क्या है कि आई एम स्ट्रॉन्ग इन माई पोजिशन। और यहां पे हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो यहाँ पे चतुर्थ स्थान में है, तृतीय स्थान का अधिपति है, और केतु जो है वो मघा नक्षत्र का अधिपति पंचम स्थान में है। किस प्रकार का प्रश्न होगा? किसी प्रकार से मन में कोई ना कोई ऐसी भावनाएं चल रही है जो प्रकट करते समय एग्जैक्टली उल्टे प्रकार से जा रही है। मतलब जो चाहती है, जो व्यक्ति चाहती है कि लोग या फला फला व्यक्ति मेरा साथ निभाए, मुझसे प्यार करे, मुझे बुलाए, मेरे लिए कुछ ना कुछ करे, वो बताते समय कहती है आई डोंट केयर, बात करते समय कहती है इट्स ओके, मेरा तुम्हारे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। लेकिन नक्षत्र ये बता रहा है कि जी हाँ, इनका उसकी वजह से कुछ ना कुछ रुकता है, और खास करके देर इज अ पेन, एक दर्द है मन में जिसे कहा नहीं जा सकता, व्यक्त किया नहीं जा सकता, उस प्रकार की भावनाएं जो इससे प्रतीत होती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे चंद्रमा जो है वो तृतीय स्थान का अधिपति है, एक विशेष कृति, एक विशेष हो सकता है कि इस प्रकार के रिश्ते में, इस प्रकार की स्थिति में कोई कला जीवन भी सामने हो, कोई एक्टिविटी साथ में हो, और उसको लेकर भी चुभन है, और ये चुभन की चर्चा यहाँ पे हो सकती है। अब जब हम इस प्रश्न कुंडली को देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, अरे वाह, लग्नेश शुक्र षष्ठ स्थान में है,
चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है और इस कुंडली को मंगल और रवि ये दो पाप ग्रह देख रहे हैं। तो यहां पे झगड़ा जरूर होने वाला है, मत मतांतर जरूर होने वाले हैं, और यह जातक चुभन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेगा ऐसा आप महसूस कर सकते हो। इसलिए जो उपाय है वो व्यय स्थान में गुरु है और ये गुरुदेव उनको ये बताएंगे कि जीवन इसी प्रकार से है, जो लोग साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो हो सकता है साथ आएंगे, और जो साथ में है हो सकता है वो कभी साथ छोड़ देंगे। ये इस प्रकार की आध्यात्मिक भावना अष्टम स्थान का अधिपति, लाभ स्थान का अधिपति होके गुरु व्यय स्थान से प्रदर्शित कर रहा है। इस भावना को हम उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, और इसमें हमने ये उन्हें बताना चाहिए कि प्रश्न कुंडली का उत्तर एक चुभन है और चुभन का कारण अहंकार है। अहंकार से बाहर आइए तो आपका सच्चा प्यार आपको साथ देने के लिए तत्पर हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने क्षेत्र में अपनी जगह पे बैठ के यदि यह अपेक्षा करेंगे कि दूसरी व्यक्ति आपके प्रति हमदर्दी प्यार के साथ आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो शायद यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने एक पोजीशन ली है दूसरे व्यक्ति ने भी इसी प्रकार की पोजीशन अवश्य ली है। सो दैट वाज अ प्रश्न कुंडली पार्ट 2, अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टार्स इन प्रश्न कुंडली एंड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रश्न कुंडली आई होप विल बी हेल्पफुल टू यू। यदि आप कृष्णमूर्ति पद्धति जैसे किसी पद्धति का भी प्रयोग करते हैं तो इस नक्षत्र और इस नक्षत्र के साथ में जुड़े हुए भाव को समझ के भी आप इनका इस्तेमाल करके प्रश्न कुंडली को अधिक सटीक बना सकते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।